वेलकम है रॉकर्ड, स्वागत है आपका द वॉल मूवी में। तो इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट बुश के अमेरिका और इराक के बीच युद्ध खत्म होने की घोषणा करने के बाद यूएस आर्मी इराक में अपने दो ऑफिसर्स को भेजती है जिनका नाम मैथ्यू और आइसक है। वो रेगिस्तान के एक पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन के बीच में जाते हैं। मैथ्यू और आइसक को वहाँ पर दुश्मनों पर नजर रखने के लिए भेजा जाता है क्योंकि वहाँ पर दुश्मन सभी अमेरिकन को मार रहे होते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक पहाड़ी के पीछे छिपकर दुश्मनों के इलाके पर नजर रखते हैं और रेगिस्तान के चिलचिलाती धूप में वो दोनों पिछले 20 घंटों से स्नाइपर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब इतने घंटे इंतजार करने के बाद मैथ्यूज अपना सब्र खो देता है और कहता है कि वहाँ कोई भी राख सरेख नहीं है। इसके साथ ही मैथ्यूज जमीन पर गिरी लाशों को भी देख लेता है और अंदाजा लगाता है कि साइट पर इराकी सैनिकों ने हमला किया है जो अपना मिशन पूरा करने के बाद पीछे हट गए हैं। अब ये सुनने के बाद आइसक मैथ्यूज को शांत करने की कोशिश करता है। उसके बाद मैथ्यूज को पता चलता है कि सभी के सर पर गोली मारी गई है और इसके पीछे किसी प्रोफेशनल स्नाइपर का हाथ हो सकता है। और वो साथ में ये भी कहता है कि उसे लगता है कि इसके पीछे प्रोफेशनल इराकी स्नाइपर जुबा का हाथ हो सकता है। लेकिन मैथ्यूज जुबा के बारे में छोड़कर स्नाइपर रॉकी के बारे में सोचता है कि वो सबको 30 सेकंड्स में खत्म कर सकता है। अब आगे कुछ घंटे इंतजार करने के बाद मैथ्यूज फैसला करता है कि वो इस जगह की जांच खुद करेगा। फिर मैथ्यूज खुद को कवर करता है और अपने हथियार लेकर चला जाता है। इसके बाद मैथ्यूज आइसक को पीछे से कवर करने के लिए कहता है और फिर ऑन कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ चल पड़ता है। मैथ्यूज को बहुत सी लाशें मिलती है। फिर मैथ्यूज किसी सैनिक का रेडियो उठाता है और आगे बढ़ता ही रहता है और दूसरी तरफ आइसक उस पर नजर रखने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच आइसक जल्दी से मैथ्यूज को ये बताता है कि उसका स्कोप ढंग से काम नहीं कर रहा है और उसको देखने में दिक्कत हो रही है। और तभी मैथ्यूज कहता है कि तुम अपने उस स्कोप को फेंक डालो और दूसरे स्कोप को लगाओ। लेकिन आइसक मैथ्यूज को याद दिलाता है कि ये स्कोप उनके एक बहुत ही खास और प्यारे दोस्त डीन का है जिसके साथ इसकी काफी सारी भावनाएं जुड़ी हुई है। उसके बाद मैथ्यूज लाशों को देखकर काफी चौंक जाता है क्योंकि सभी को सर पर ही गोली मारी होती है। मैथ्यूज को डर लगता है कि वो स्नाइपर उनके आसपास ही है और इसके बारे में आइसक को बताता है। ये सुनने के बाद आइसक मैथ्यूज को जल्दी वापस आने के लिए कहता है। अब आइसक के कहने के बावजूद भी मैथ्यूज साइट के बीच में खड़ा होकर शूट की डायरेक्शन देखने लग जाता है। यहाँ आइसक रेडियो से चिल्लाता है और मैथ्यूज को पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी होती है। स्नाइपर मैथ्यूज पर निशाना लगाता है और उसके पैर में गोली मार देता है। और ये देखने के बाद आइसक जल्दी से मैथ्यू की तरफ भागता है, लेकिन इससे पहले वो मैथ्यू को सुरक्षित जगह पे लेके जाए स्नाइपर आइसक के पैर में भी गोली मार देता है और इसकी वजह से बेचारा आइसक मैथ्यूज को साइड पर छोड़कर किसी तरह बचकर दीवार के पीछे छिप जाता है। इसी दौरान मैथ्यूज आइसक को बेस से फोन करके रेस्क्यू टीम को बुलाने के लिए कहता है और दूसरी तरफ आइसक खून रोकने के लिए अपने पैर में कपड़ा बांधता है। उसके बाद देखते हैं तो आइसक रेडियो बैग उठाता है और बेस से फोन करने लगता है, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं आता। आइसक देखता है कि रेडियो पर गोली लगी हुई है जिसकी वजह से उसका एंटीना पूरी तरह से टूट चुका है। उसके बाद मैथ्यूज आइसक को स्नाइपर पर निशाना लगाने के लिए कहता है, लेकिन आइसक कहता है कि अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो स्नाइपर उसे फिर से गोली मार देगा। इसके बावजूद भी मैथ्यूज अपनी स्नाइपर राइफल के पास जाने की कोशिश करता है और ज्यादा खून बहने की वजह से बीच में उसकी हालत खराब हो जाती है और वो लगभग मरी जाता है। आइसक को यहाँ पर एहसास होता है कि इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो गोली निकालकर उस पर बैंडेज लगाता है, लेकिन इसी दौरान वो भी बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि आइसक को धीरे धीरे होश आने लगता है और उसे रेडियो से कुछ आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि बेस से ऑफिसर उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आइसक बहुत ही खुश होता है और जल्दी से मेडिकल सरप्राइज के लिए कहता है। फिर जैसे जैसे आइसक ऑफिसर से बात करने लग जाता है, उसे शक होता है कि ये कोई और ही है। वो ऑफिसर उससे लोकेशन मांगता है, यही नहीं बल्कि ऑफिसर उसे खड़े होकर हवा में फायर करने को भी कहता है ताकि उसको आइसक की असली लोकेशन का पता चल सके। ये सुनने के बाद आइसक कहता है कि ये कानून के खिलाफ है और उसके बाद आइसक स्नाइपर पर ध्यान देने लग जाता है और उसको एहसास होता है कि वो कोई अमेरिकन ऑफिसर नहीं बल्कि दूसरी तरफ का स्नाइपर है जो अमेरिका की रेडियो फ्रिक्वेंसी चला रहा है। अब इसके बावजूद भी स्नाइपर आइसक को बात करने के लिए कहता है क्योंकि वो उसके बारे में और जानना चाहता है। पहले तो आइसक स्नाइपर को मना करता है, लेकिन जब स्नाइपर मैथ्यूज को मारने की धमकी देता है तो आइसक को मानना पड़ता है और आइसक जमीन पर कुछ मैप बनाने लग जाता है ताकि उसको स्नाइपर की पोजीशन का पता लग सके। उसके बाद स्नाइपर आइसक को बताता है कि वो एक इराक नागरिक है जो अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो स्नाइपर आइसक की फैमिली के बारे में पूछने लगता है, लेकिन आइसक बताने से मना कर देता है और कहता है कि ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है। फिर आइसक स्नाइपर का अपमान करते हुए कहता है कि वो उन लोगों को मार रहा है जो वास्तव में देश को विकसित करना चाहते हैं। और ये सुनकर स्नाइपर हंसने लग जाता है और कहता है कि उसे पता है कि ये पैसा उसके देश के लिए नहीं बल्कि यूएसए के लिए है। फिर थोड़ी देर बाद आइसक अपने बारे में कुछ नहीं बताता, इसलिए स्नाइपर उसको फिर से मैथ्यूज को मारने की धमकी देता है। हालांकि इस बार आइसक उसके धमकी से नहीं डरता। फिर स्नाइपर इस बात का खुलासा करता है कि उसे डीन की मौत के बारे में सब कुछ पता है
और ये सुनने के बाद ऐसे बिल्कुल हैरान हो जाता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला। बाद में ऐसे एक बोतल से पानी पीने लगता है, लेकिन देखता है कि बोतल में छेद है जो स्नाइपर ने गोली मार कर किया है। स्नाइपर को ऐसे की सिचुएशन के बारे में पता होता है। वो कहता है कि उसने जानबूझकर उसकी बोतल, रेडियो एंटीना और उसके पैर में गोली मारी, और वो ये भी बताता है कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि आयसे की जगह न छोड़ सके। फिर स्नाइपर आयसे को बताता है कि वो कल सुबह होने से पहले मर जाएगा क्योंकि उसका काफी खून बह चुका है। आगे हम देखते हैं कि आयसे एक अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि स्नाइपर कौन सा हथियार इस्तेमाल कर रहा है, और वो स्नाइपर को टेररिस्ट भी कहता है। लेकिन ये सुनने के बाद स्नाइपर हंसने लग जाता है और आयसे को याद दिलाता है कि वो ही है जो दूसरे देश में गनों से लोगों को मार रहा है। फिर काफी देर तक ढूंढने के बाद ऐसे को पता चलता है कि स्नाइपर कूड़े के ढेर के पीछे छुपा हुआ है। वहाँ की कठोर सिचुएशन को देखते हुए ऐसे के जान जाता है कि स्नाइपर एक पेशावर है। साथ ही साथ ऐसे कहता है कि वो जुबाई है। हालांकि स्नाइपर फिर से मना कर देता है और बताता है कि वो एक आम इराकी नागरिक है। अब ये सुनने के बाद ऐसे कहता है कि स्नाइपर एक यूएसए आर्मी ऑफिसर है जो उसको धोखा दे रहा है। लेकिन स्नाइपर दोबारा मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जो पहले उस पर अटैक करते हैं। थोड़ी देर बाद पानी न पीने और थकावट के कारण आयसेक जमीन पर ही गिर जाता है, और अब स्नाइपर आयसेक को कहता है कि उसके मरने के बाद वो उसके चेहरे की चमड़ी काट देगा और उसकी जीभ को अपनी छाती से टांग देगा। आगे हम देखते हैं कि आयसेक एक प्लान बनाता है और अपने हेलमेट और जैकेट को लकड़ी पर रख कर स्नाइपर को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका यह प्लान कामयाब नहीं होता, बल्कि इसी दौरान आयसेक अपना हेलमेट भी खो देता है। आयसेक के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता और अपनी जान को खतरे में डालकर वो मरे हुए सोल्जर के पास जाता है ताकि उनके बैग में उसको कुछ यूजफुल चीजें मिल सके। लेकिन जब वो वापस अपनी जगह पर आता है तो देखता है कि उसका स्कोप टूट चुका है और अब वो स्नाइपर को नहीं देख सकता। इसी दौरान ऐसे की रेडियो फ्रीक्वेंसी में कुछ सिग्नल आते हैं और उसको पता चलता है कि मैथ्यूज अभी भी जिंदा है। ऐसे मैथ्यूज को आवाज देता है और स्नाइपर की लोकेशन बताता है। फिर मैथ्यूज अपने पॉकेट से एक कार्ड निकालता है और कूड़े के ढेर की तरफ देखता है, और फिर आयसेक स्नाइपर को बातों में उलझाता है और मैथ्यूज किसी तरह अपने राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है। फिर वो स्नाइपर बताता है कि वो बगदाद में टीचर था, लेकिन जब अमेरिका ने उसके स्टूडेंट्स पर हमला किया था तब से उसने फैसला किया कि वो उनकी मौत का बदला लेगा। इसके बाद स्नाइपर आयसेक से पूछता है, तुमने ये टूटा हुआ स्कोप क्यों रखा हुआ है, जिसके जवाब में आयसेक कुछ नहीं कहता। और वैसे ही स्नाइपर मैथ्यूज को मारने की धमकी देने लग जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद आयसेक बताता है कि स्कोप उसके फ्रेंड डीन की निशानी है, और वो ये भी कहता है कि उसकी गलती की वजह से डीन मारा गया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि मैथ्यूज स्नाइपर की तरफ निशाना लगाता है और बिना देखे उस पर लगातार शूट करने लग जाता है। लेकिन जैसे मैथ्यूज अपनी गन को लोड करने लग जाता है, स्नाइपर मैथ्यूज के कंधे पर गोली मार देता है। अब इससे पहले कि मैथ्यूज आयसेक के पास पहुंच पाता, स्नाइपर उसके सर में गोली मार देता है और मैथ्यूज उसी वक्त मर जाता है। ये देखकर बेचारा आयसेक बहुत ही टूट जाता है और घर जाने के लिए कहता है। अब इस पर स्नाइपर कहता है कि अगर वो असलियत में घर जाना चाहता है तो वो उसको नहीं मारेगा। थोड़ी देर बाद स्नाइपर आयसेक से पूछता है कि युद्ध खत्म होने के बावजूद भी वो यहाँ क्या कर रहा है। फिर आयसेक बताता है कि उसने ही असलियत में डीन को मारा है। आयसेक बताता है कि वो स्नाइपर को मारना चाहता था लेकिन गलती से डीन को मार दिया था, और उसने सभी को यही बताया कि डीन को दुश्मनों ने मारा है। फिर जैसे जैसे आयसेक स्नाइपर से बात करता रहता है, उसे रेडियो ट्रांसमीटर से आवाज सुनाई देती है। अब आयसेक जल्दी से रेडियो की तरफ जाता है और बेस में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से रेडियो पूरी तरह से टूटा हुआ होता है। आयसेक सिर्फ रेडियो में बातें सुन सकता है लेकिन मदद नहीं मांग सकता, और अचानक से आयसेक सुनता है कि स्नाइपर उसका नाम लेकर मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। अब आयसेक को पूरा यकीन हो जाता है कि स्नाइपर ही उस बेस से मदद मांग रहा है। वो उनकी बातों को काटना चाहता है लेकिन वो काट नहीं पाता। फिर थोड़ी देर बाद आयसेक उठता है और किसी तरह मैथ्यूज के राइफल से स्नाइपर पर निशान लगाने की कोशिश करता है। वैसे आयसेक देखता है कि हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आ रहे हैं, और फिर अपनी लोकेशन बताने के लिए आयसेक दीवार को गिरा देता है। उसी वक्त स्नाइपर आयसेक को टारगेट करता है, लेकिन धूल की वजह से वो निशाना नहीं लगा पाता। उसके बाद ऐसे ही स्नाइपर पर निशाना लगाता है और उसको पता नहीं चलता कि स्नाइपर को गोली लगी भी है या नहीं। उसके बाद आयसेक अपनी जगह पर खड़ा होता है और चौंक जाता है कि स्नाइपर ने उसको गोली नहीं मारी है। उसे तो लगता है कि शायद स्नाइपर को गोली लग गई है या वो मर चुका है। फिर हेलीकॉप्टर लैंड करता है और कुछ ऑफिसर आयसेक को स्ट्रेचर पर लेके जाते हैं। आयसेक ऑफिसर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो इस हालत में नहीं होता कि कुछ बोल सके। अब जैसे ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, स्नाइपर एक एक करके सारे ऑफिसर को मारना शुरू कर देता है। इससे पहले कि आयसेक ऑफिसर्स को स्नाइपर के बारे में कुछ बता पाता, स्नाइपर पायलट को गोली मार देता है और हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से बेचारे सभी लोग मारे जाते हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि स्नाइपर अमेरिकन सोल्जर बेस में दोबारा कॉन्टेक्ट करता है और दूसरी रेस्क्यू टीम को भेजने के लिए कहता है, और दोस्तों साथ ही वो खुद को अमेरिकन सोल्जर भी बताता है।
और इसी ट्विस्ट के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी?